नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका सिंह इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय रायबरेली में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है समाजशास्त्र के सामाजिक विचारक अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1798 में, और वो अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक के साथ साथ प्रत्यक्षवाद दर्शन के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इनकी जो शिक्षा मूल रूप से विज्ञान वर्ग में थी और इनके ऊपर वैज्ञानिक पद्धति का बहुत प्रभाव था। इनका ये मानना था कि जिस प्रकार भौतिक जगत का अध्ययन हम वैज्ञानिक तौर तरीके या वैज्ञानिक नियमों के आधार पर कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र समाज में जो घटनाएँ हो रही हैं उसका भी अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों तर्क निरीक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिसमें उनका ये कहना था कि जो समाज का विकास हुआ है वो व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ धीरे धीरे हुआ है, और मूल रूप से उसमें तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं जिसको उन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इस त्रिस्तरीय सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने विज्ञान और प्रत्यक्षवाद तथा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। त्रिस्तरीय सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने सबसे पहला स्तर बताया धार्मिक अथवा काल्पनिक स्तर, दूसरा तात्विक अथवा मूर्त स्तर, तीसरा प्रत्यक्षात्मक अथवा वैज्ञानिक स्तर। धार्मिक अथवा काल्पनिक स्तर, इनका अगस्त कॉम्ट का कहने का मतलब था कि जब मानव समाज ये मानता था कि समाज में जो भी घटनाएं या प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है। जैसे आदिमानव जब ये देखता था कि बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, पेड़ पौधे निकल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, तो उन्हें उसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति महसूस होती थी जिसके सामने वो नतमस्तक होता था, तो उसको उन्होंने धार्मिक या काल्पनिक स्तर कहा। अब धार्मिक या काल्पनिक स्तर को अगस्त कॉम्ट ने तीन उप स्तरों में बांटा, जिसमें पहला है जीवित सत्तावाद, दूसरा बहुदेववाद, तीसरा एक देववाद। जीवित सत्तावाद यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई जीवित शक्ति या जीवित सत्ता है जो सारी घटनाओं को संचालित कर रही है, और उसके सामने लोगों को नतमस्तक होना, लोग उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। दूसरा बहुदेववाद, अब उन सभी शक्तियों को अलग अलग देवी देवताओं का नाम दिया जाने लगा। अगस्त कॉम्ट एक देववाद को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ तक जीवित सत्तावाद और बहुदेववाद का जब एक देववाद था, यानी कि मनुष्य का जो बौद्धिक विकास है वो अधिक सुसंगठित हो गया है। अब वो सभी शक्तियों को अलग अलग न मानकर किसी एक ही शक्ति या एक ही ईश्वर के रूप में सम्मिलित रूप में पाती है, जिसे एक देववाद कहा। दूसरा स्तर है तात्विक अथवा अमूर्त स्तर, जो धार्मिक और प्रत्यक्षात्मक दोनों की बीच की अवस्था है। यहाँ पर मानव समाज या मानव का जो बौद्धिक विकास है वो ये मानता है कि जो भी शक्तियाँ हैं वो अलौकिक ना होकर अमूर्त रूप में हैं जो सारी घटनाओं को संचालित करती हैं। तीसरा जो है वैज्ञानिक स्तर, जब तात्विक आधार को छोड़कर समाज में हो रही घटनाओं का अध्ययन तर्क और परीक्षण के माध्यम से किया जाने लगे तो उसे वैज्ञानिक स्तर कहते हैं। यानी कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और उन कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उस स्तर को उन्होंने वैज्ञानिक स्तर कहा। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों अवस्थाएँ एक के बाद ही आए या एक दूसरे में अंतर्निहित हो। ये किसी भी मानव समाज में या व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में एक साथ भी पाए जा सकते हैं। जैसे धार्मिक संबंधों में हम घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर करते हैं, कर्मकांड और रीति रिवाज परंपराओं के आधार पर करते हैं, और जीवन के आदर्शों के संबंध में नैतिकता के संबंध में हम तात्विक आधार पर होते हैं, लेकिन जीवन जीने के साधन के रूप में हम वैज्ञानिक आधार पर अपने विचार या रखते हैं, वैज्ञानिक आधार पर उसका संबंध रखते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो तीनों आधार हैं इनका समन्वय रूप भारतीय समाज में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाना चाहूँगी, जैसे किसी एक वैज्ञानिक जो सारी समाज की घटनाओं को
विज्ञान की पद्धति के माध्यम से समझने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु होती है तो वो धार्मिक या तात्विक तो वो वैज्ञानिक आधार न समझाकर अपने आप को धार्मिक या तात्विक आधार समझाने का प्रयास करता है। जैसे धार्मिक आधार पर अपने आप को ये समझाता है कि मनुष्य अगर आया है तो उसे जाना भी है और भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, और तात्विक आधार पर वो ये समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य का जो जीवन है, जीवन और मरण वो एक शाश्वत सत्य है, वो एक न एक दिन सबके साथ होना है, और जो ये मनुष्य का शरीर है वो पंच तत्वों में एक न एक दिन विलीन हो जाएगा। तो इन आधारों पर वो अपने आप को संबल देता है और समझाने का प्रयास करता है। तो इन तीन स्तरों के माध्यम से अगस्त कॉम्ट सामाजिक विचारधारा को समझाने का प्रयास करते हैं। जो कहा जाता है कि समाज में सामाजिक विचारधारा को समझाने में अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय सिद्धांत के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ साथ उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया। विज्ञानों के वर्गीकरण में उनका कहना था कि जो विषय सबसे स्वतंत्र होता है, जैसे कि गणित, गणित सबसे स्वतंत्र होता है क्योंकि दो और दो चार होते हैं और वो हर जगह होते हैं, चाहे हम यहाँ पे हो चाहे किसी और दूसरी जगह हो, वो स्वतंत्र ही होता है, तो वो सबसे स्वतंत्र है और किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। लेकिन उसी के बाद खगोल शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, रसायन और जीव शास्त्र वो उसके बाद आते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, और इन सब पे सबसे ज्यादा आश्रित है समाज शास्त्र, जो कि गणित पे, खगोल पे, भौतिकी शास्त्र पे, रसायन पे, जीव शास्त्र पे वो निर्भर है, इसीलिए सबसे ज्यादा आश्रित विषय समाज शास्त्र को कहा गया है। और गणित सबसे स्वतंत्र, तो जो जितना स्वतंत्र होता है वो आश्रित नहीं होता, लेकिन जो उसके बाद आता है वो उसी तरह से उस पे आश्रित होता जाता है।